22 नवंबर को देश में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 27 साल की वेंटरी डॉक्टर का बेरहमी से बलात्कार कर उसे जिंदा जलाकर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। एक तरफ जहां हम 9 दिन के नवरात्र में माँ काली माँ दुर्गा को पूजते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी देश में एक 6 साल की बच्ची के साथ गुजरात में रेप कर उसका गला दबाकर उसे मार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर और कितनी निर्भयाएं बनेंगी इस देश में और कितने माँ बाप अपनी बेटियों को खोएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टफुल न्यूज इन इंडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। हैदराबाद गैंगरेप में पूरे देश को हिला कर रख दिया। इतना ही नहीं, इसकी गूंज सोमवार को सांसद में भी सुनाई दी। इस घटना की हर दल के सांसदों ने कड़े शब्दों में निंदा की। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने कहा कि चाहे निर्भया हो या कठुआ, सरकार को उचित जवाब देना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी सार्वजनिक तौर पर लिंचिंग करनी चाहिए। आप भी सुनिए कि आखिर क्या कहा जया बच्चन ने हैदराबाद रेप और मर्डर केस के बारे में। I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. सर, मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हैदराबाद में हुई उसके पहले दिन भी उसी जगह एक हादसा हुआ। क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको भी पता है, डू यू नॉट थिंक दैट दे शुड बी आंसर्ड, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी आस्क्ड टू गिव एन आंसर व्हाई दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट एरिया, जहाँ पहले भी एक चीज एक दिन पहले हादसा हो चुका था। सर, आई थिंक दैट दीज पीपल नीड टू बी शेम्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री, पीपल हु हैव नॉट डन देयर जॉब्स प्रॉपरली, द ऑफ कोर्स द गाइस हु हैव कमिटेड द क्राइम, डेफिनेटली राइट मैम। अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली। राइट मां, लिंच्ड। हाल फिलहाल प्रियंका के चारों आरोपियों को 14 दिन की न्याय हिरासत में भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन पे क्या फैसला सुनाती है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कल के दिन कोई और बेटी या कोई और प्रियंका निर्भया ना बने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू। Oh,